हेलो दोस्त, मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे कैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग के लिए इंटरडे के लिए कैसे सोर्स कर सकता है। तो इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हमें कंपनी का कोई ब्रेकडाउन जानना नहीं चाहिए। ये कंपनी का बैकग्राउंड डिटेल्स ये क्या, पूरा फंडामेंटल देखने के लिए हमें लॉन्ग पोजिशन जो ट्रेडर होता है जो होल्डिंग पोजीशन रहता है उसके लिए चाहिए। लेकिन इंटरडे के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कोई हमें फंडामेंटल का कुछ इतना न्यूज इवेंट्स नहीं चाहिए। तो कैसे स्टॉक चूज करना है मैं दिखाऊं, थोड़ा आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये मैंने MT4 लिया, Aliceblue का एक टेक्निकल एनालिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे एक मार्केट वॉच लिस्ट है, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉक्स ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 2000 से लेके स्टॉक्स अप टू 11 रुपीस स्टॉक्स है। तो कैसे, कौन सा स्टॉक्स में डेली इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो जैसे ये मैंने लिया, आप देख सकते हैं जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील का आप क्लियरली देख सकते हैं ये अप ट्रेंड जो स्टॉक्स रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा दूँ, जो ऐसा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिया ये 200 मूविंग एवरेज, राइट, फर्स्ट 200 मूविंग एवरेज नीचे में है। उसके बाद ये देख सकते हैं ये 150 मूविंग एवरेज है, 100 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज। ऐसे 5 मूविंग एवरेज लिया ये 200, 150, नेक्स्ट 100, 50 एंड 20 मूविंग एवरेज। जब 200 का ऊपर 150 रहना चाहिए, 150 का ऊपर 100, 100 का ऊपर 50, 50 का ऊपर 20। जो जैसे ऐसा पैटर्न फॉर्म करके जब स्टॉक्स रहेंगे तो वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इंटरडे में, राइट। तो हम अभी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये क्लियरली देख सकता है यहाँ पे सपोर्टिंग कौन बना के जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट करके जा रहा है, तो यहाँ पे आप बाय करके जा सकता है, राइट। यहाँ पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, तो लास्ट यहाँ पे आया, ये मुझे लगता है थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर हाई बना के जा रहा है, राइट। तो ऐसा स्टॉक्स को आपको सिलेक्ट करना चाहिए और यहाँ पे आप ट्रेडिंग करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ये लोअर ब्रेकआउट नहीं किया है सपोर्टिंग, यहाँ से आप बाय जा सकते हैं ऊपर के लिए। ठीक है, तो और देखेंगे हम स्टॉक्स कौन सा हमें आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। चलो हम मैं पहले थोड़ा बड़ा वाला स्टॉक्स ले लेता हूँ, डॉक्टर रेड्डी। तो देखिए ये डॉक्टर रेड्डी, ये मूविंग, ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये मूविंग एवरेज थोड़ा नीचे में, तो इसको थोड़ा हटा लूं नीचे, हाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ये। तो इसमें देख सकते हैं आप, हाँ तो इसमें देख सकते हैं आप कंटिन्यूअसली ये मूविंग एवरेज लाइक 200, 150, 150 ये हो रहा है। तो ये स्टॉक्स में कौन सा सपोर्टिंग जोन बना रहा है, 50। जो 50 के आसपास आएगा तो वहाँ पे आप बाय जा सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी और एक TCS, जैसे TCS अगर एक बात याद रखना चाहिए यहाँ पे, जब मूविंग एवरेज ऐसा, जैसे आप देख सकते हैं ये मार्केट मूविंग एवरेज का ज़्यादा ऊपर निकल गया, तो ये ऐसा एरिया में आपको बाय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 20 नहीं तो 50 के आसपास आपको बाय लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे बाय ये एरिया में बाय ले सकता है, ये ज़्यादा लंबा चला गया तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे बाय नहीं लेना है। ठीक है, तो और देखेंगे हम ये सपोज SEC, तो ये स्टॉक्स में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए डेली में, क्योंकि ये ज़्यादा वॉलीटिलिटी हो रहा है और कोई इसका मूवी अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ये ज़्यादा वो जिग जग पैटर्न में है, देख सकते हैं आप, ये जिग जग पैटर्न में है, ये थोड़ा
नया ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप ऐसा लगाएंगे हिट करेंगे फिर से जाएगा, ऐसा होता है, तो इसको छोड़ देना चाहिए, राइट। तो हम देखेंगे क्लियर कहाँ ट्रेडिंग करने। जैसे यहाँ पे मैंने ये क्या लिया कॉल ऑफ इन, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप क्या है, यहाँ सपोर्टिंग जोन कौन बना के रहा है, 200 मूविंग एवरेज, राइट, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज। तो ये स्टॉक्स में बाय जा सकता है, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, हायर हाई बहुत कम बना रहा है, ये प्राइस ट्रैपिंग हो रहा है। तो आपने बाय लिया तो यहाँ तक ही ले सकता है इस स्टॉक्स में, ठीक है। तो और देखेंगे हम एलटी, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, क्या सपोर्ट बना, नहीं ये एक मिनट में ये देख सकता है आप क्लियरली, सपोर्ट 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 बाय एंटी, सपोर्ट बाय एंटी। तो यहाँ पे अगर बाय लेंगे तो मार्केट नीचे आ सकता है, ये आपका बोल सकते हैं ये रबर बैंड मेथड, क्योंकि जब मार्केट पुल अप होता है, जैसे रबर को आप पुल करेगा छोड़ देगा, फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसलिए ये वाला स्टॉक्स में यहाँ पे आपको बाय लेना चाहिए, राइट। और भी देखेंगे हम तो और नीचे है छोटा वाला, थोड़ा नीचे देखेंगे हम कुछ भी, टाटा सीमेंट। तो ये स्टॉक ऐसा स्टॉक्स में आपको अभी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मूविंग एवरेज पैरेलली नीचे या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। जैसे हम देखेंगे शांति भी, हाँ ये शांति भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं कैसे मूविंग एवरेज एक का ऊपर एक है, तो इसमें आप ट्रेडिंग जा सकते हैं। जैसे ये हमें मिला कहाँ, 100 100, बाद में ये 50 में आया, बाद में 20 20 में, अभी आपको नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल मुझे लगता है ये थोड़ा नीचे आएगा 100, ये 100 के आसपास से आपको बाय लेना शुरू करना चाहिए ये स्टॉक्स में। ये इधर भी इधर आ सकता है, यहाँ से शुरू करना चाहिए ये स्टॉक्स में बाय करने गुड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और छोटा वाला स्टॉक्स भी देखेंगे हम, जैसे एक्सिस बैंक, ये ऐसा स्टॉक्स में अभी एक्सिस बैंक में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्लियरिटी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कैश सी एल आप देख सकते हैं परफेक्टली, ये हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। जैसे यहाँ पे सपोर्टिंग बाउंस बैक मुझे लगता है बाउंस बैक, राइट, ऐसा स्टॉक आपको ढूंढना चाहिए। और यहाँ पे आप बाय लगा के नीचे इसका ऐसा लगा के 1:2 रेशियो में आप जा सकता है, ठीक है। हाँ और भी देखेंगे हम, जैसे छोटा में आ गया हम अरविंद, ये थोड़ा हाँ इसमें जा सकता है आप भाई, क्योंकि ये क्लियर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकता है सपोर्ट बाय 200 में, तो बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकता है एक मिला सपोर्ट बाय, और पीछे आएगा सपोर्ट ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आएगा, यहाँ पे आएगा मार्केट, यहाँ से बूम, यहाँ पे बाय, ठीक है, ये क्लियरली। तो ऐसा आपको स्टॉक्स ढूंढना है। तो और भी देखेंगे हम केपीआईटी, तो ये थोड़ा मुझे नहीं लगता इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए, ऐसा स्टॉक्स को आप छोड़ देना चाहिए। हाँ ये स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये अपोलो टायर आप देख सकते हैं कैसा क्या परफेक्टली आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिला है, यहाँ से जब ऊपर हो गया इच्छा आधार, ठीक है, तो यहाँ से बाय, राइट, ये नीचे आएगा यहाँ पे बाय, ठीक है, ऐसा नीचे 1:2 रेशियो, राइट। और भी देखेंगे हम छोटा में आ रहा हूँ, ये स्टॉक्स बहुत भयंकर रहता है, इसमें ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मूविंग एवरेज अनसिस्टमेटिक है, वो पैरेलल नहीं है, यहाँ पे था ये एरिया में, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ सिस्टमेटिक नहीं है। देखा इन दोनों का बीच में आप अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा फर्क पता चलेगा, राइट, थोड़ा मैं इसको
थोड़ा नीचे काट देता हूँ। हाँ तो ये स्टॉक्स हम थोड़ा छोटा कर देंगे तो तब आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अच्छा मिला था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बहुत भयंकर है, उसमें ट्रेडिंग नहीं कर चाहिए। ये है बैंक बाजार, तो परफेक्टली ये बैंक बाजार में बाइंग का अपॉर्चुनिटी परफेक्टली यहाँ से मिला था हमें, राइट। तो कहाँ कहाँ हमें बाय मिला था आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाय 220 मूविंग एवरेज सपोर्टिंग बना के जा रहा है 20 में, बाय बाय 20 में, देखिए बाय बाय। बाद में इसको 20 में एक मिला था, उसको एक एसएल हिट हो सकता है, बाद में आपको 50 में आया 50 50, ठीक है। तो बाद में ये रिटेस्टिंग किया था, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था 200 का, बाद में ये बाय अपॉर्चुनिटी मिला, अभी 20 के आसपास जा रहा है बाय, राइट। तो आपको पिछले बिहेवियर को देखना चाहिए, कौन सा मूविंग एवरेज सपोर्टिंग जोन ज़्यादा बना के जा रहा है। कैटी कैटी के बैंक, सो इसमें भी देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी था इसमें बाय के लिए। 50 मूविंग एवरेज सपोर्टिंग जोन बना के जा रहा है, ठीक है, 50 मूविंग एवरेज, अभी बाद में 20 मूविंग एवरेज, राइट बाय ये, राइट। अभी मुझे लगता है ये ज़्यादा आगे थोड़ा नीचे आने का है, और फिर से वो कौन सा मूविंग एवरेज टच करेगा 100, इसके 100 का आसपास से फिर से वो जाने का चांसेस है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।